शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से लगातार जो जम्मू को दहलाने की साजिश रची जा रही है, जम्मू संभाग के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, सीमा पार बैठे आतंकवादियों के आकाओं के इशारों पर जो कश्मीर के साथ साथ जम्मू को अंदर भी आतंकवादी अपने पांव पसार रहे हैं, उसके खिलाफ आज हमारा प्रदर्शन था। आज पाकिस्तान का झंडा यहां पर फूंका गया है, पाकिस्तान के झंडे को पैरों के नीचे रौंदा गया है, और अपने सुरक्षाकर्मियों से, केंद्र सरकार से भी हम ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है और पाकिस्तान को निस्तोनबूत कर दिया जाए, पाकिस्तान सीमा के अंदर घुसकर उसको जो है सबक सिखाया जाना चाहिए। देखिए, जम्मू संभाग जो आतंकवाद मुक्त क्षेत्र हुआ करता था, आतंकवादी घटनाओं से परे था, एक शांतिपूर्ण इलाका था, कश्मीर के बाद जम्मू संभाग में भी आतंकवादियों ने अपने पांव पसारने के साथ लक्षित हत्याओं को अंजाम देना शुरू कर दिया है। जम्मू के सिदड़ा इलाके के अंदर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों की, कल रात रजौरी के अंदर जो है अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया गया, आज सुबह वहां पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को आईडी के अंदर निशाना बनाया गया। तो लगातार जो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों और सीमा पार बैठे अपने अकाओं के इशारों पर जो आतंकवादी संगठन यहाँ पर सिर उठा रहे हैं, उसको कुचलने का समय आ चुका है। शिवसेना भी आज यहाँ से उनको चेतावनी जारी करती है कि अपने नापाक मंसूबों पर पूर्ण विराम लगाएं, नहीं तो शिवसेना को मजबूर ना करें अपने पुराने अंदाज के अंदर वापस आने का। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी से भी हम अपील करते हैं कि आतंकवादियों का सर कुचलें, सख्ती के साथ उनको निपटें और जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं के मन से भय का माहौल खत्म करें। हिंदुओं पर हमले, हिंदुओं पर हमले, हिंदुओं पर हमले, आतंकवाद, आतंकवाद, पाकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुओं पर हमले, हिंदुओं पर हमले, हिंदुओं पर हमले, पाकिस्तान, 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 आतंकवाद, 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 हिंदुओं पर हमले, हिंदुओं पर हमले, हिंदुओं पर हमले, हिंदुओं पर हमले, पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान।